बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे हॉट एंड सार चिकन सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इन्हें आप सर्दियों में बनाकर पिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीली, इसमें डाल देंगे हम 1 लीटर पानी और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज का प्याज रफली कट किया हुआ, अभी 7 से 8 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे भी मैंने कट कर लिया है। इन सबको इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें डाल देंगे चिकन, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर विद बोन लिया है क्योंकि हड्डी वाले चिकन के जो सूप है वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे हम कुक करेंगे जब तक कि ये पूरा पक नहीं जाता। तो देखिए चिकन जो है वो पूरा पक चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो सारे जो चिकन के पीसेस है उसे हम श्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे श्रेड कर लिया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन। इसे हम सौते करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है आपको इसे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1 छोटे साइज का, इसे भी हम सौते करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। इसे भी हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक हमें पकाना है प्याज को भी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स 1/4 कप, 1/3 कप ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, साथ ही हम ऐड कर देंगे गाजर बारीक कटा हुआ 1/4 कप और यहाँ पर है मेरे पास पत्ता गोभी 1/2 कप, इसे भी मैंने श्रेड कर लिया है। इन सबको इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे कुक करेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसे सौते करें क्योंकि हमें इसे पूरा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसे पकाना है। इसका जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए सब्जियों का। फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन स्टॉक जो हमने स्ट्रेन करके निकाला था, चिकन को बॉयल करके इसे इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच काले मिर्च पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इसके बाद इसमें डाल देंगे श्रेडेड चिकन, मिक्स करेंगे और अब हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद हम लेंगे एक बोल और इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसे मिक्स करके इसकी हम एक स्लरी बना लेंगे। ये देखिए हमारी स्लरी बन गई है, इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर 5 मिनट हो गया इसे पकते हुए। तो बाकी की चीजें ऐड करेंगे, 2 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे विनेगर, 2 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे सोया सॉस, मिक्स करेंगे इसे हम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च वाली स्लरी और एक साथ हमें पूरा ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपको सूप कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला रखना है आप उस हिसाब से इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करिएगा। अगर आपको और ज़्यादा गाढ़ा सूप चाहिए तो आप इसमें और कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना के भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसे मिक्स करते जाएंगे हम साथ ही साथ ऐड करके और फिर से हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया इसे पकते हुए। लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, मिक्स करेंगे इसे। तो हमारा जो चिकन सूप है वो बन के रेडी हो गया है। तो अब हम गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मजे का हॉट एंड सार चिकन सूप बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।